नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। टीकमगढ़ जिले की सिद्ध शक्तिपीठ बगाज माता मंदिर प्रांगण में रविवार को आयोजित रैकवार मांझी समाज के द्वारा दशहरा मिलन समारोह मनाया गया, जिसमें जिला टीकमगढ़ के अलावा दूर दूर से रैकवार मांझी समाज के लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित समाज सेवी एवं बुंदेली कलाकार मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान वृंदावन से आए गोपाल नंद गिरी निषाद महाराज ने कहा कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य है एक दूसरे से परिचय होना है और जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं उनको दूर करना है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे समाज को सरकार में मौका मिलना चाहिए। वर्षों से हम इनके लिए काम करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को मौका नहीं दिया जाता। इस बार समाज को एकजुट कर हम उसके लिए काम करेंगे जो हमें सरकार में शामिल होने का मौका देंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी समाज के सभी स्वजातीय बंधु और जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने अपना वक्तव्य देते हुए शिक्षा और अन्य सभी कुरीतियों को लेकर चर्चा की और प्रतिबंध अंकुश लगाने की बात की। सभी समाज को नई ऊर्जा मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कमल राजपूत, जगत न्यूज 24, टीकमगढ़। हमारी रैकबार समाज अन्य जातियों के नाम से जानी जाती है, जिनको कोई नहीं जानता है। यहाँ पर ये मिलन समारोह करने के बहाने से एक हमको नया संदेश मिलता है कि जिन लोगों को हम नहीं जानते हैं वो यहाँ पर लोग मिलते हैं आपस में और एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, तो बड़ा सुकून पैदा होता है। दूसरा एक उद्देश्य हमारा एक और है कि आज हमारे पूरे भारतवर्ष में कन्याकुमारी से ले कश्मीर तक ये रैकवार समाज जो है लगभग 558 नामों से टाइटलों से जानी जाती है, आज दर दर की ठोकर खा रही है। सबसे ज़्यादा हो दो बार कल्याण विभाग, मछुआ कल्याण बोर्ड, आप तो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, दो बार इस संबंध में बात की होगी, आपको क्या लगता है कि आपके समाज के लिए कितना विकास किया जा रहा है? निश्चित तौर से विकास किया जा रहा है और ये मैं भारतीय जनता पार्टी का लगभग 40 साल से जुड़ा हुआ नेता हूँ, सामाजिक नेता हूँ, क्षेत्रीय में भारतीय जनता पार्टी का मूल नेता हूँ। इसके ठेकेदार, सांसद, विधायक, जब जो दूसरों के घरों में हैं तो हम बुंदेलखंड के हैं, तो बुंदेलखंड की कहावत है कि अपना घर और जहाँ चाह पर, और दूसरे का घर और बैठने का डर। और जैसे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, वो तीन के तेरा कर देते और नाव दरोगा धर देते और पंख लगाएं मोड़ के और काम करें चोर के। हम तो मछुआरे हैं, अभी संत जी भी कह गए हैं। आज जो रैकवार समाज के द्वारा दशहरा में आयोजन बगाज माता मंदिर किया गया, इसका मुख्य क्या उद्देश्य? इसका पहले तो आपके चैनल को मैं अपनी समाज की ओर से और अपनी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आप हमारी दशहरा मिलन समारोह पंचायत में आए हुए हो। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि देखो, पहले तो हमारी जो सनातन धर्म की परंपरा है, दशहरा मिलन समारोह हमारे हिंदू समाज की परंपरा है। हमारे बगाज माता मंदिर के पास कई वर्षों से ये आयोजन किया जा रहा है और समाज में जो बुराई भलाइयाँ होती हैं उसको यहाँ पे हम लोग साल में एकत्रीकरण होकर और सब समाप्त करते हैं। इसके लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।